दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को देखने और सुनने वाले आप सभी अभिकर्ता साथियों का, विकास अधिकारी महोदय एवं प्यारे ग्राहक साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज LIC की योजनाओं के कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक नई प्लानिंग जीवन कलश योजना, इसका दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जीवन कलश योजना की यह जो वीडियो है या यह जो प्लानिंग है, यह प्लानिंग जिनकी एज 20 साल से लेकर ऊपर और 35 साल के बीच में है, यह प्लानिंग मुझे लगता है उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो यदि आपकी व्यवस्था 21 साल और 35 साल के बीच में है और आप इसके फायदे को देखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें। दोस्तों, जीवन कलश योजना, यह जो जीवन कलश योजना है, इसका जो मूल बेनिफिट है वो ये है कि आपको प्रीमियम एक लिमिट समय तक ही जमा करनी है, यानी जो LIC की जो किस्त है वो आप एक लिमिट समय तक जमा करेंगे, लेकिन इसके जो बेनिफिट है वो अनलिमिटेड है। आपके लिए जीवन कलश योजना की जानकारी में तो उससे पहले कुछ अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं अपने एक मित्र के यहां गया हुआ था, उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक टू व्हीलर बाइक खरीदी थी अपने लड़के के लिए, और बातों ही बातों में जब उनसे बात होने लगी तो उन्होंने कहा, सर यह जो एक मकान है, इस मकान का किराया महीने का जो मिलेगा उससे मैं इस गाड़ी की जो पेट्रोल के खर्च है मैं उसको मेंटेन करूंगा। और उनकी यह जो बात थी वो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक जगह कर गई कि भाई हर व्यक्ति के पास ऐसी व्यवस्था तो नहीं होती है, लेकिन जो खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं इंसान के सामने जो निश्चित होते हैं। जैसे मैं आज, आपके बच्चे छोटे होंगे, धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते जाएंगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो उस समय होगा क्या कि उन बच्चों के एजुकेशन के खर्चे, उनके ट्यूशन की फीस, स्कूल के खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन आपकी जो कमाई है, आपकी जो इनकम है वो एक सीमित मात्रा में होती है, उसमें जो वृद्धि होती है वो समय के अनुसार उतनी नहीं होती जिस हिसाब से बच्चों के खर्चे बढ़ते हैं। तो क्या हर इंसान के पास ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है कि वह जो निश्चित खर्चे हैं उसके लिए एक इनकम का साधन बना ले, यानी एक माध्यम से आपके पास पैसा आए और वह जो दूसरा माध्यम, जो दूसरा निश्चित खर्च है, उस खर्च को आप मेंटेन कर सकते। तो यदि मेरी यह बात आपको लगती है कि ऐसा सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यह जीवन कलश योजना आपके लिए फिर फायदेमंद होगी। आइए देखते हैं इस योजना में क्या खासियत है। दोस्तों, हर इंसान के सामने दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि हायर एज में जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों के खर्च आपके सामने होंगे। दूसरा चीज, आपकी अवस्था भी बढ़ती जाएगी, एक एज ऐसा आएगा जिस एज के बाद आपको चाहिए कि बिना काम करते हुए कोई ना कोई पेंशन जैसी स्कीम, कोई ना कोई पेंशन जैसा बेनिफिट आपको मिले। तो मुझे लगता है कि यह इस तरह की अगर योजना अगर आपके सामने होती है, आपके साथ होती है, तो यह आपके लिए फायदेमंद होगी। इस योजना की खास चीज क्या है? खास चीज यह है कि मात्र 15 साल तक यदि आप 145 रुपए की बचत करते हैं ना, तो 21वें साल से, जैसे पॉलिसी 21 साल कंप्लीट करेगी, 21वें साल से 1,30,000 रुपए प्रतिवर्ष आपको आजीवन मिलता है। तो जो 1,30,000 रुपए आपको आजीवन मिलना है 21वें साल से, तो इसका उपयोग जब बच्चा आपका बड़ा होगा उसके जो निश्चित खर्चे होंगे उसके लिए एक इनकम का माध्यम आप बना सकते हैं, क्योंकि 40-45 के बाद अभी एक इंसान अपनी इनकम करता रहता है, कमाई करता रहता है, उसके आय के साधन उसके पास रखते हैं। तो उस कंडीशन में इस योजना या इस तरह की जो योजना होती है, इससे जो बेनिफिट आपको होगा, वह बेनिफिट का उपयोग आप बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चों को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। यही नहीं,
50, 55 या 60। एक इंसान के कार्य करने की जो क्षमता होती है इसके बाद फिर वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि शरीर की हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और उस समय आवश्यकता होती है कि एक ऐसी निश्चित आय उसको मिलती रहे, आजीवन मिलती रहे, जिसका उपयोग वह अपने बुढ़ापे के लिए कर सके। तो यह जो 1,30,000 रुपए आजीवन आपको मिलना है, जब तक बच्चे आपके बड़े होते हैं उनके खर्चों में कर सकते हैं, और जब बच्चों के खर्च कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके यह जो 1,30,000 रुपए सालाना है, इसके जरिए एक आप पेंशन जैसा उपयोग इस पैसे का आप कर सकते हैं। दोस्तों यही नहीं, आप आजीवन 1,30,000 आपको मिलता रहेगा, लेकिन जब भी आप नहीं होंगे तो जो आपकी पीढ़ी है या यूं कहें जिसको आप पॉलिसी में नॉमिनी बनाते हैं ना, उसको मेरी LIC 19,50,000 भुगतान कर देगा। आइए अब देखते हैं इस प्लान का पैरामीटर्स क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दोस्तों यह जो जीवन कलश योजना है या जो कॉम्बिनेशन पावर प्लानिंग है, इसका जो एज ग्रुप है वो है यदि एज 20 साल से ऊपर और 35 साल के अंदर, तो फिर आपके लिए यह प्लानिंग अच्छी होगी। इस प्लानिंग का जो टर्म है वो है 21 साल का, यानी 21 साल के बाद इस पॉलिसी से बेनिफिट मिलना आपको शुरू होगा, लेकिन जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह है 15 साल, यानी पॉलिसी तो 21 साल की है लेकिन प्रीमियम जो जमा करना है वो 15 साल ही करना है। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी जो LIC की सोच है वो यह है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की एज बड़ी होती है, बच्चों की लाइबिलिटीज उसके पास ज्यादा आती जाती है, तो 15 साल के अंदर वह अपने प्रीमियम से जो प्रीमियम का जो खर्च है उससे वह मुक्त हो जाए, और जैसे ही बच्चे उसके बड़े हों, बच्चों की जो खर्च है उसके ऊपर आए, तो उस समय LIC की इस योजना के माध्यम से, इस कॉम्बिनेशन प्लानिंग के माध्यम से उसको सपोर्ट मिल सके। आइए देखते हैं अगला प्लान पैरामीटर्स क्या है। दोस्तों इसमें मिनिमम प्रीमियम डेली बेस पर क्या है, यदि आप 40 रुपए प्रतिदिन बचत कर सकते हैं तो फिर यह प्लानिंग आपके लिए हो सकती है। यानी एक मैं समझता हूं कि एक छोटा सा व्यक्ति भी चाहे तो अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए यह प्लानिंग ले सकता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब यह अंडरराइटिंग का मैटर होता है कि अंडरराइटिंग में आपकी पॉलिसी कितने तक की पास हो सकती है या उस पर डिपेंड करता है, लेकिन LIC ने कोई लिमिट नहीं रखा है। आप चाहें तो 10 दिन का 200, 400, 500, 1,000, 2,000 जितना चाहे आप सेविंग कर सकते हैं। इसमें मॉड कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो इस पॉलिसी को आप ईयरली विधि से करा सकते हैं, हाफ ईयरली विधि से करा सकते हैं, या तो फिर क्वार्टरली मॉड में इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं, यानी सालाना आप जमा कर सकते हैं इस पॉलिसी की प्रीमियम, छमाही कर सकते हैं, या तो फिर तिमाही विधि से कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है आपके मन में, यह क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने आपको बताया कि 40 रुपए डेली का आप बचत कर सकते हैं या फिर 145 रुपए प्रतिदिन पर, अभी मैंने कैलकुलेशन आपको बताया, तो आपको समझाने के लिए एक उदाहरण मात्र है। सालाना बेस के आधार पर मैंने कैलकुलेशन करके निकाला कि डेली बेस में कितनी प्रीमियम आपको जमा करनी होगी। दोस्तों इस प्लानिंग में लोन अवेलेबल है, अगर आप चाहें, आपको जरूरत अगर भविष्य में पड़ती है तो आप इस पॉलिसी के माध्यम से लोन ले सकते हैं। यदि किसी कारण से आप इस पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं तो जो प्रथम किस्त जमा करनी थी उससे 2 साल तक का समय LIC देगी, उन 2 सालों के भीतर आप इस पॉलिसी की प्रीमियम जमा कर सकते हैं। और देखिए पॉलिसी को सरेंडर करना तो नुकसानदेह होता है, आप किसी भी पॉलिसी को कराते हैं और पॉलिसी के पूरा होने से पहले अगर उस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो वह फिर नुकसानदेह होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और आपको यह समझ में आता है कि पॉलिसी को तोड़ने के सिवा और कोई साधन आपके पास नहीं है, तो इस पॉलिसी को 3 साल के बाद सरेंडर किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। यदि आप इनकम टैक्स पे ही हैं, यदि आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो इस प्लानिंग को लेने के बाद इसकी जो प्रीमियम आप जमा करते हैं सेक्शन 80CC के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। यही नहीं, LIC की जितनी भी पॉलिसियां होती हैं उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो टोटल टैक्स फ्री होती है, तो इस प्लानिंग की भी जो मैच्योरिटी है वो टोटल टैक्स फ्री होगी।
आइए एक एग्जांपल के तहत हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई पॉलिसी लेता है तो उसको क्या बेनिफिट होंगे, रिस्क कवर क्या होगा। इन चीजों को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी एज 25 साल की है और प्लान का टर्म 25 साल का लिया, तो उसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 15 साल होगा। ग्राहक ने प्रीमियम पेइंग मोड लिया ईयरली, यानी वह चाहता है कि साल का साल प्रीमियम जमा करे। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम आएगी जीएसटी के साथ वो आएगी 52,475 रुपए, और सेकेंड ईयर और उसके बाद की जो प्रीमियम होगी वो करीबन 51,345 रुपए के लगभग की होगी, जो कि उसको दूसरे साल से लेकर 15वें साल तक उसको जमा करना होगा। अब देखते हैं कि कस्टमर ने पॉलिसी ले ली, 25 साल का जो कस्टमर है इसने पॉलिसी ले ली, तो अब उसको प्रीमियम कितना जमा करना होगा, उसका रिस्कवर कितना होगा और उसको रिटर्न कितने मिलेंगे। तो मान लीजिए 25 साल के कस्टमर हैं, इन्होंने पहले साल 52,475 रुपए की प्रीमियम जमा करा, और यदि इनको प्रथम वर्ष में ही अगर कोई कैजुअलिटी इनके साथ होती है, अगर इनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में 10,05,120 रुपए का भुगतान मेरी एलआईसी उसके नामनी को करती है। यदि अगले साल प्रीमियम जमा किए, दो साल की प्रीमियम जमा हो गई, 51,345 रुपए प्रीमियम जमा कर दिए, और दो साल प्रीमियम जमा करने के बाद अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई घटना होती है, तो उस कंडीशन में यह जो रिस्क अमाउंट है वो बढ़कर 10,50,240 रुपए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे कस्टमर प्रीमियम जमा करता जाएगा, आप यहां देखिए उसका जो रिस्क अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और 15 साल तक कस्टमर ने प्रीमियम जमा किया, 15 साल के बाद फिर प्रीमियम माफ हो जाएगी, फिर प्रीमियम कस्टमर को जमा नहीं करना होगा, लेकिन उसका रिस्कवर बंद नहीं होगा, उसका रिस्कवर चलता रहेगा। यानी 40, 41, 42, 43, 44 अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ रिस्क कवर इंक्रीज होता जा रहा है। यानी अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो एज के अनुसार जिस एज पर डेथ होती है उस एज पर उतना रिस्क कवर अमाउंट कस्टमर के नॉमिनी को वापस होता है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। 45 साल की एज में रिस्क कवर हो गया 20,03,520 रुपए, प्रीमियम माफ हो गई, प्रीमियम जमा नहीं करना है, और 21वें साल तक कोई रिटर्न कस्टमर को नहीं मिल रहा है, रिटर्न नील। लेकिन इसके बाद है क्या कि 19,68,094 रुपए का रिस्कवर उसका चलता रहेगा 47वें साल से, लेकिन उसको 47 साल की एज से 1,31,076 का भुगतान कस्टमर को मिलता रहेगा। आजीवन जब तक रहेगा तब तक उसको कंटिन्यूअस 1,31,000 का पेमेंट उसको मिलता रहेगा, और जब भी कभी कस्टमर नहीं रहता है तो 19,68,094 रुपए का भुगतान मेरी एलआईसी उसके नामनी को कर देगी। यानी यदि आप अपने इस पॉलिसी में या जो प्लानिंग कर रहे हैं इसमें अगर आप अपने बच्चे को नामनी बना देते हैं तो आजीवन 1,31,076 रुपए तो आपको मिलते हैं, जब तक आप रहते हैं तब तक 1,31,076 रुपए आप पाते रहते हैं, और जैसे ही आपके साथ अगर कोई कैजुअलिटी होती है, जब भी आप नहीं होते हैं 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100 जिस भी एज में आप नहीं होंगे, तो आपका जो नामनी होगा आपकी पॉलिसी में उसको मेरी एलआईसी 19,68,094 रुपए का भुगतान कर देगी। प्यारे साथियों, एलआईसी की जो यह कॉम्बिनेशन प्लानिंग है इसमें जो प्रीमियम है, यह प्रीमियम का कैलकुलेशन मैंने 25 साल की एज पर आज की डेट में मैंने किया है। कस्टमर की एज के आधार पर और एलआईसी के नियम और शर्तों के आधार पर प्रीमियम कम या ज्यादा हो सकती है। एलआईसी की जो भुगतान है यह भुगतान एलआईसी के बोनस के आधार पर एलआईसी करती है। यदि बोनस में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तो यह जो रिटर्न्स हैं यह भी इसमें भी अंतर आ सकता है। मेरा यह एग्जांपल देने का जो मूल उद्देश्य रहा है कि इस प्लानिंग को आप समझ सकें कि किस हिसाब से इस प्लानिंग को करने के बाद आपको एलआईसी से बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, और इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा आपके इसी तरह से हमको प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह जो जीवन कलश योजना है, इस योजना में कौन कौन सी प्लानिंग ली गई है, या आप अगर पॉलिसी को लेते हैं
तो इस पॉलिसी को लेने में आपकी प्रीमियम क्या आएगी और आपको बेनिफिट कैसे होंगे, यदि इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप हमें संपर्क करें। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जैसे ही यह वीडियो समाप्त होगी, लास्ट के 20 सेकेंड में आपको 4 वीडियो के लिंक फ्लैश हो जाएंगे। तो यदि आप ग्राहक हैं तो ग्राहक के लिए आवश्यक जानकारी वाली वीडियो को आप देख लें। यदि आप अभिकर्ता हैं तो अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक सूचना या जानकारी के नाम से एक वीडियो है, आप उसको देख लें। देखने के बाद उसमें बकायदा सारे नियम मैंने बताए हैं कि किस हिसाब से आप जानकारी ले सकते हैं। यह LIC का कॉम्बिनेशन प्लान है, यानी LIC की योजनाओं का कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो को देखने के बाद ही आप हमसे संपर्क करें। दोस्तों, मुझे पता है आपका समय कीमती है और अपने कीमती समय में से आप समय निकालकर हमारी वीडियो को देते हैं। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।